मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बनने जा रहा है भाई साहब का फरमाइश पे। निशांत सिंह कमेंट किए थे अररिया आरएस स्टेशन का ब्लॉग बनाइए, तो आज हम प्रशांत रवीन निकल चुके हैं अररिया आरएस को कवर करने के लिए। तो आप लोग पूरा देखिए वीडियो को, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई। और ये रास्ता रहा अररिया से आरएस जाने वाला, इधर देखिए भैंस। Hey guys, हम लोग अररिया आरएस स्टेशन पहुंच चुके हैं। स्टेशन दिखाने से पहले हम मंदिर को रिकवर करना चाहते हैं, माँ भवानी का मंदिर, माँ दुर्गा का मंदिर अररिया आरएस। जय माँ दुर्गा। और इधर भोला बाबा का बहुत बड़ा मूर्ति स्थापित किया गया है, हर हर महादेव। और इधर आनंद, एक छोटा सा मंदिर देखिए, भोला बाबा का शिवलिंग है। अब आज मंदिर का दर्शन करवा दिए, अब डायरेक्ट आपसे मिलते हैं अररिया आरएस स्टेशन के साथ। हे गाइस, जब हम लोग स्टेशन पे पहुंच चुके हैं भाई, पैदल स्टेशन पे ही चल रहे हैं। यहाँ दिखाते हैं आपको बड़ा सा लंबा सा मालगाड़ी लगा हुआ है। और हम इस ब्लॉग को स्टार्ट करना चाहते हैं जहाँ के अररिया आरएस लिखा, आरएस तो नहीं लिखा हुआ लेकिन अररिया जरूर लिखा हुआ है। और यहाँ से 2 किलोमीटर आगे अररिया कोर्ट है, उसका भी सेपरेट ब्लॉग बनाएंगे भाई। हमारे पीछे देख सकते हैं कितना लंबा स्टेशन है। और इधर देखिए स्टेशन समाप्ति की ओर जा रहा है, और आगे रेलवे ढाला है, आरएस रेलवे ढाला, ट्रेन भी लगी हुई है रेलवे ढाला। वाह वाह, ये रहा अररिया आरएस। आरएस तो लिखा हुआ है ही नहीं, अररिया ही समझिए, एक अररिया कोर्ट स्टेशन है। और ये देखिए मालगाड़ी लगा हुआ, बहुत लंबा है भाई। जय हो रेल महाराज की, जय हो। लेडीज पायलट भी है भाई। अब हम लोग इस ब्रिज पे चढ़ेंगे, ब्रिज के ऊपर से एक बार व्यू देखना चाहते हैं स्टेशन का। और हम आपको ये भी दिखाएंगे, यहाँ नया कंस्ट्रक्शन किया गया है, मतलब कि अररिया आरएस स्टेशन का नवीकरण हो रहा है। पुराना बिल्डिंग को हटाया जाएगा, नया बिल्डिंग में स्थापित किया जाएगा स्टेशन को, हमारे अररिया प्रगति की ओर सांसद प्रदीप सिंह के द्वारा। यहाँ से हम लोग पहले ब्रिज पे चढ़ना चाहते हैं, ब्रिज पे चढ़ के उसके बाद होगा रेलम पट्टी। यहाँ कुछ भैया लोग फोटो शूट कर रहे हैं। और यहाँ से एक बार देखिए गाइस दुर्गा मंदिर को, यहाँ भव्य मेला लगता है नवरात्रि में। अब हम लोग ब्रिज के ऊपर आ गए हैं, यहाँ से देखते हैं व्हाट लुक लाइक। और यहाँ से देखिए गाइस एक बार इस ब्रिज का लुक, बहुत अच्छा, पहले नहीं था ब्रिज, ये 2 साल के अंदर ये ब्रिज को बनाया गया है। और इधर देखिए भव्य चौड़ीकरण किया गया है स्टेशन को। ये अररिया आरएस अब अररिया जंक्शन बनने वाला है, क्योंकि यहाँ से भी रेल लाइन निकल रहा है बंगाल के लिए। आपको एक चीज और बता दे, आज से पहले ये इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं था, डीजल पे ही चलता था गाड़ी, अब इलेक्ट्रिक सिस्टम भी हो गया है इसमें। बहुत चौड़ा कर दिया गया स्टेशन को भाई, पहले इतना चौड़ा नहीं था, पहले बहुत छोटा था। अभी एक हमारे भाई साहब मिले हैं, साइकिल स्टैंड करके दिखाएंगे। ये देखिए भाई साहब का स्टैंड, और ले भाई उठा के आज लगभग में स्टैंड बहुत मस्त था गाइस। और अभी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं इधर से उस साइड जाने का। और ये पहले रविंद्र, इसके बाद प्रशांत का नंबर है। ए ट्रेन खुली कर जल्दी सर, हिल्ला है। मालगाड़ी पे चढ़े हुए हैं भाई, बहुत फीलिंग आ रहा है। और इधर देखिए बड़ा बड़ा स्टेयरिंग भी लगा हुआ है। पहले हम लोग यहाँ से नीचे आ गए, कहीं मालगाड़ी खुल गया तो हम लोग को भी लेके चला जाएगा। ये अनलोडिंग करने का सिस्टम, गियर सिस्टम दिया गया है गाइस, कैसे खोला जाएगा आई डोंट नो। और इधर रात छोटा सा जाके दिखाते हैं उधर भी क्या क्या है स्टेशन में। ये भाई साहब को देखिए अपने में मजा कर रहा है लोग। और ये रहा मेन स्टेशन, जहाँ की यात्रीगण को बारिश में टिकने के लिए जगह दिया गया है। यहाँ से एक व्यू लीजिए गाइस। और यहाँ 2 दुकान भी है, चिप्स कुरकुरे चाय का, और मस्त का चेयर मिलेगा आप लोग को बैठने के लिए, चाय पी सकते हैं। वेंडिंग कॉन्ट्रैक्टर एक्सप्रेस टी स्टॉल। और ये मोदी जी का दुकान बंद है, मोदी जी शायद होली करके थक गए हैं। और इधर भी एक दुकान है, डीके कैटरोर। और इधर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है अररिया स्टेशन पे, स्वच्छ बनाने का कोशिश किया जा रहा है स्टेशन मास्टर के द्वारा। अध्यक्ष का केबिन है। और ये नया जो बिल्डिंग देख रहे हैं, यही नया स्टेशन बन रहा है, और ये कंस्ट्रक्शन भी हो गया है लोहा का, इधर भी छपरी डाला जाएगा टीना का, और इसके अंदर पूरा सिस्टम को स्थापित किया जाएगा कुछ ही दिन बाद। ये बिल्डिंग बहुत ही मस्त बनाया गया है। टिकट काटने वाला जगह को दिखाते हुए हम नया बिल्डिंग का आपको एक बार रूबरू करवाते हैं। और यहाँ निकासी के लिए पुराना दरवाजा है, पहले इधर से निकला जाता था, अभी नहीं जाता। ये टिकट काउंटर रहा, आप लोग यहाँ से टिकट ले सकते हैं। और ये छोटा वेटिंग हॉल भी है यहाँ पे। और आपका इधर हो गया सुपर पार्किंग एरिया, ये अभी पूरी तरह से बना नहीं है, बनेगा कुछ ही दिन में। पार्किंग एरिया को बहुत बड़ा कर दिया गया, लंबा चौड़ा। और गाइस ये रहा नया स्टेशन का लुक फ्रंट साइड से, बहुत लंबा चौड़ा बिल्डिंग बनाया गया है भाई।
और गाइस एक फैसिलिटी यहाँ ये भी है, जब भी आप स्टेशन पे उतरते हैं बाहर आते ही माँ दुर्गा का दर्शन कीजिए आप लोग, श्री केसी नंदन बालाजी मंदिर अररिया आर्य। सॉरी गाइज, हमको लगा कि कटिहार से ट्रेन आ रही है, लेकिन पता अब चल रहा है कि ट्रेन तो जोगवनी से आ रही है जो कि कटिहार को जाएगी। ये देखिए ट्रेन अब सांप बन रहा है भाई, वाह वाह, हट जाओ भाई, पैसेंजर ट्रेन, वाह। अब ट्रेन लग चुकी है अररिया आर एस स्टेशन पे गाइज, ये भी ज्यादा लंबा नहीं है। हाँ ले लिए, ये रघुनंदन ब्लॉक, गाइज स्टेशन से हम लोग निकल चुके हैं अब अररिया की ओर। अररिया में जाते हैं कुछ नाश्ता पानी देते हुए, घर को प्रस्थान करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी। प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को भाई। हे गाइज, रात का 11 बज चुका है और मैं आज का ब्लॉग अब समाप्त करने जा रहा हूँ। मिलते हैं कल आपसे एक नया ब्लॉग में, एक नया उमंग के साथ। अभी हम IPL देख रहे हैं, मुंबई इंडियन हारने ही वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दबा के जय हिंद जय भारत जय श्री राम हर हर महादेव लाइक कर दीजिए।